हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक। लास्ट लेक्चर में हमारा सेटिंग आउट कर्व हो चुका था, और मैंने कहा था कि उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल जो आता है ना, मैक्सिमम मार्क्स का आता है, बहुत अच्छे मार्क्स का आता है अगर आएगा, आया तो इसको समझ लेना थोड़ा ध्यान से। एक आध मिनट और रुकते हैं, बच्चे आ जाएं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जरा ये कंफर्म करो, स्क्रीन दिखाई दे रही है? मैंने एक स्लाइड खोली हुई है, फोटो एल्बम लिखा हुआ है उसके ऊपर। यस सर। अब मैं इसको स्लाइड मोड पे ले आ रहा हूँ तो बताना, क्योंकि अभी सुबह लेक्चर था तो दिखाई नहीं दे रहा था। स्लाइड मोड पे गया हूँ अब। अब दिखा रहा है बोर्ड, ब्लैक कलर का उस पर लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, तो देखो, एक तो हमारा है ना, हम कर्व के ऊपर न्यूमेरिकल कर चुके हैं जिसमें हमने सारे पैरामीटर्स निकाले थे, ठीक है? जैसे टेंजेंट की लेंथ, कर्व की लेंथ, कोर्ड की लेंथ, सब कोर्ड की लेंथ, मिड ऑर्डिनेट की लेंथ, चेनेज निकाला था उसमें, आर निकाला था, और कर्व ऑफ रेडियस, कर्व ऑफ वो डिग्री ऑफ कर्व निकाला था। एक तो न्यूमेरिकल इस टाइप का हो गया। सर्कुलर कर्व की बात हो रही है अभी, अभी इसके बाद आपकी और भी कर्व रही है, अभी केवल सर्कुलर कर्व में एक न्यूमेरिकल आपका इस टाइप का था। दूसरा न्यूमेरिकल आता है आपका सेटिंग आउट का, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना 2.2? यस सर। ठीक है, तो ये 2.2 तो है, ये न्यूमेरिकल है, बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, मतलब आने के चांस भी है और इसी टाइप का आएगा। तो इसको ध्यान से समझना जरा। टू रोड हैविंग डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल बोलते हैं हम, एक सेकेंड, डेविएशन एंगल बोलते हैं हम उस एंगल को जो आपका डिफ्लेक्शन एंगल होता है, ठीक है? अगर दो रोड ऐसे हो रही हैं तो ये एंगल जो होगा, सेंटर वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये डिफ्लेक्शन एंगल होता है, डेल्टा से इसको हम बोलते हैं, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री, ठीक है? अब ये एंगल, डेविएशन एंगल एट द एपेक्स पॉइंट, एपेक्स पॉइंट आपको पता है वी पॉइंट होता है ऊपर, जहां पे दोनों लाइन है टेंजेंट आपका इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? आर बी जॉइंट बाय 200 मीटर रेडियस, 200 मीटर रेडियस है। इफ द चेने जो एपेक्स पॉइंट इज इतने मीटर, कैलकुलेट द नेसेसरी डाटा टू गिव। पहले इसको समझ लेना है, थीटा आपको समझ में आ गया क्या है? ये जो दो कर्व आपकी, ये जो एंगल है डिफ्लेक्शन एंगल, ये 45 है। ये कह रहा है फिर जॉइनिंग बाय 200 मीटर रेडियस, जो आर है आपकी वो 200 मीटर है। ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी कोई समझने वाली चीज नहीं है, 200 मीटर। इसके बाद कह रहा है चेनेज ऑफ एपेक्स पॉइंट, वी पॉइंट, ये वी है एपेक्स पॉइंट, और ये है टी वन, और ये आपको इसको इधर ले जाऊं तो ये ए है। तो बी ए से वी तक का चेनेज मीटर में दिया हुआ, चेन में नहीं दिया हुआ। ये डिस्टेंस कितनी है आपकी, 1839.2 मीटर। तो यहां तक तो कुछ भी ऐसा नहीं है समझने वाला, ठीक है? बिल्कुल सिंपल सिंपल चीज दी हुई है। अब नेक्स्ट इसमें चार चीजें पूछी हुई है। फर्स्ट पूछा हुआ है इसने ऑर्डिनेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड एट 10 मीटर इंटरवल। एक एक चीज में प्रीवियस डाटा लेके समझाऊंगा, क्योंकि हो सकता है आप भूल गए हो छुट्टियों के बीच में,
ए पॉइंट कह रहा है ऑर्डिनेट फ्रॉम, अगर स्लाइड ना दिखाई दे रही हो आवाज तो तुरंत बता देना ठीक है. और फर्स्ट पॉइंट ए पॉइंट ऑर्डिनेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड एट 10 मीटर इंटरवल. या तो सेटिंग आउट के लीनियर मेथड में सबसे पहला मेथड था ऑफसेट वाला ठीक है, मैं इसमें दिखा देता हूँ स्लाइड में आपको. ये वाला मेथड जिसमें हमारे ऑफसेट, हमने ऑर्डिनेट से ऑफसेट लिया था ओ एक्स डिस्टेंस पे एक्स डिस्टेंस पे ओ एक्स, जिसमें हमने फॉर्मूला निकाला था ये वाला ओ एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस आर माइनस आर नॉट. मैंने और ये कहा था कि जितने ज़्यादा ऑफसेट लोगे आप उतना ही एक्यूरेट कर्व बनेगी, एक्स की वैल्यू हम वेरी कर सकते हैं ठीक है. तो इस फॉर्मूले में देखो आप, और यहाँ पर देखो ये पूछ रहा है ऑर्डिनेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड एट 10 मीटर, तो इसमें आपको क्या निकालना है ओ एक्स निकालना है. और x की वैल्यू क्या दी हुई है इसने, x की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर, यानी कि आपका सेंटर से लॉन्ग कॉर्ड के 10-10 मीटर पे जो ऑफसेट होंगे उनकी ओ एक्स निकालनी है ठीक है. ये समझ में आ गया. अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, मेथड ऑफ बाईसेक्शन टू एवरी 8th पॉइंट. अब बाईसेक्शन में क्या था कि आपका जो है ना एक लॉन्ग कॉर्ड थी और आपका ये इंटरसेक्शन था, आपने इसका बाइसेक्ट किया था और यहाँ से एक लाइन खींची थी परपेंडिकुलर, फिर उसको मिला दिया था ठीक है. फिर इसका बाइसेक्ट करेंगे हम और इसको मिला दिया था, और इस तरीके से हमारी एक कर्व बन रही थी बाइसेक्शन मेथड में. और उसमें जो ये डिस्टेंस थी, मैंने कहा था ये डिस्टेंस अगर हमें मिल जाए तो हम कर्व के पॉइंट्स मिल जाएंगे. तो बी पॉइंट में ये निकालना है. सी पॉइंट रेडियल एंड परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम एवरी स्टेशन ऑफ 30 मीटर लॉन्ग टेंजेंट. सॉरी, तो याद हो अगर आपको तो हमने एक क्या कहते हैं आपका ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट में दो मेथड थे रेडियल एंड परपेंडिकुलर, दिखाया था मैं आपको दोबारा से, याद आ जाएगा ये वाला ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट. इसमें दो मेथड थे रेडियल एंड ऑफसेट परपेंडिकुलर, जो आपका टेंजेंट था उसका रेडियल ही परपेंडिकुलर था और एक था ऑफसेट ऐसे, और दोनों में ओ एक्स निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ था. तो ये ओ एक्स निकालना है इसमें ठीक है. वो भी किसका निकालना हो, फुल 30 मीटर चेन का. अब ये सॉल्व होता जाएगा तो आपको और समझ में क्लियर आता रहा, कहीं भी डाउट हो तो रोक के पूछ लेना. डी आपका पॉइंट है ऑफसेट फ्रॉम कॉर्ड प्रोड्यूस. याद है आपको मैंने कॉर्ड प्रोड्यूस की थी तो वहाँ पे सी वन बाई टू आर की इक्वेशन आ रही थी, ओ वन इज इक्वल टू सी वन बाई टू आर इस तरह से आ रही थी. फिर ओ एन की निकाला था हम सी एन अपॉन टू आर इस तरह से इक्वेशन निकालती है, वो पूछ रहा है. तो इसमें सारे मेथड पूछ लिए गए हैं इसने ठीक है. तो अब स्टार्ट करते हैं इसको. सबसे पहले इसने क्या किया है, डेल्टा गिवन है हमारे पास और रेडियस गिवन है ठीक है. लेंथ ऑफ द टेंजेंट, जो आपकी टेंजेंट की लेंथ है ये T1 से V. अगर इसका हम एक ये ट्राइंगल बनाते हैं तो यहाँ पे आता है आपका डेल्टा बाय 2. ये हमें निकालनी है, यानी कि T1 V ये लेंथ निकालनी है. तो इस ट्राइंगल की हेल्प से हमारे पास फॉर्मूला था जब हमने पैरामीटर निकाले थे, तो वो क्या था R tan डेल्टा बाय 2. R क्या है हमारी 200 मीटर और डेल्टा क्या है 45. तो R tan डेल्टा बाय 2 लेंथ ऑफ द टेंजेंट हमारी निकल गई, कितना गई 82.84 मीटर. यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट का फॉर्मूला है वो लगाया, डाटा गिवन है हमने निकाल दिया. सेकंड पॉइंट में पूछ रहा है चेनेज ऑफ T1. T1 का चेनेज, चेनेज क्या होता है कि कितनी चेन यूज की गई है या मीटर में या चेन नंबर ऑफ चेन में T1 तक. V1 तक गिवन है, V1 तक कितना गिवन है, V तक सॉरी कितना गिवन है, A1839.2 मीटर ये गिवन है. और T1 तक निकालना है तो हम लेंथ ऑफ द टेंजेंट माइनस कर देंगे, तो T1 तक का निकल जाएगा जो निकल के आया है 1756.36, जो आप यहाँ पे देख सकते हो ठीक है. ये रहा. तो इन दोनों में कोई डाउट नहीं है, जल्दी से कोई कंफर्म करो.
कि इन दोनों लाइन में कोई डाउट नहीं है कि चेन एज कैसे निकाला है टी1 का और लेंथ ऑफ द टेंजेंट कैसे निकाली है, कोई भी कंफर्म कर दो समझ आ गया। हां सर, ये जो गिवन है वो जो मतलब वो ए से पूरा गिवन होगा ना, हमें ए से वी तक का गिवन है, ए से टी1 तक का निकालना है हमें, तो जो टेंजेंट लेंथ निकाली है आपने 82.84 वो माइनस कर दोगे उसमें से, है ना, तो चेन एज ऑफ टी1 निकल जाएगा आपका, ठीक है ओके। अब इसके बाद थर्ड लाइन है आपकी लेंथ ऑफ द कर्व, तो लेंथ ऑफ द कर्व का तो फॉर्मूला आपको पता है आर डेल्टा पाई बाय 3 180, तो हमने वो फॉर्मूला लगाया और आपकी लेंथ ऑफ द कर्व निकल गई 157.08। चेन एज ऑफ फॉरवर्ड लेजेंड टेंजेंट टी2, इसका चेन एज मेरे को कंफर्म करना, समझ में आया नहीं आया, ये चेन एज आपको पता है टी1 से लेके वी तक का पता चल गया, टी1 का भी चेन एज पता चल गया, वी तक का गिवन था, टी1 का आपने निकाल लिया, ये आपकी कर्व है और ये आपका है टी2, ठीक है, और ये आपका याद हो तो मैंने बताया था कि अगर आपने टी1 का चेन एज निकाल लिया है और आपको टी2 का निकालना है तो टी2 का चेन एज कैसे निकलता है, टी1 प्लस लेंथ ऑफ द कर्व, टी1 प्लस कर्व लेंथ, याद हो आपको तो मैंने ये बताया था कि ऐसे ही नहीं निकालेंगे, वी तक का चेन एज प्लस ई तक का चेन एज, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्शन तो कर्व के डायरेक्शन में जाएंगे, तो टी1 का चेन एज निकालने के बाद हम टी1 में कर्व की लेंथ ऐड कर देंगे तो टी2 का चेन एज आ जाएगा, ठीक है, तो ये बताओ चेन एज ऑफ टी2, टी1 का चेन एज प्लस लेंथ ऑफ द कर्व 1913 आ गया 0.44 मीटर, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर, बहुत सिंपल है, ठीक है, किसी को भी डाउट हो तो पूछ लेना, हो सकता है 2 दिन की छुट्टी हुई है, इतना पढ़ाया हुआ है, डाउट आ सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो पूछ लेना बीच में, एक एक लाइन क्लियर होगी ना तभी पूरा न्यूमेरिकल समझ में आएगा। अब फर्स्ट मेथड, अभी तो हमने कुछ पैरामीटर्स निकाले हैं जो हमारा गिवन डाटा था उससे क्या क्या निकल सकता था, अब फर्स्ट मेथड आते हैं ऑफसेट बाय ऑफसेट ऑफ कोड। अब याद करो कि हमने एक्स डिस्टेंस पे ये ऑफसेट मारा था, एक ही ऑफसेट मार के ओ एक्स की वैल्यू निकाली थी, ये क्या है हमारा ओ एक्स, अब O1, O2, O3, O4, O5, O6 निकालना है और इनके बीच का डिस्टेंस गिवन है 10 मीटर, क्योंकि वो क्वेश्चन में ही पूछ रहा है कि 10 मीटर का ऑफसेट है, हर 10 मीटर के इंटरवल पे निकालना है, ठीक है, अगर आपको ये इस लाइन की लेंथ पता चल जाएगी तो आपको ये पॉइंट पता चल जाएंगे और इन सब पॉइंट को कनेक्ट करोगे तो आपको आपकी कर्व मिल जाएगी, यही इसका तरीका है निकालने का। तो देखो डिस्टेंस ऑफ D2, DT यानी कि आपका उसका हाफ डिस्टेंस, लॉन्ग कोड का हाफ डिस्टेंस निकाला है इन्होंने, L/2 R sin delta/2 इतना आ गया, यानी कि कौन सी ये डिस्टेंस, ठीक है, और फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया याद हो, मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ, क्या कहते हैं PPT में जो दिखाया था वो दिखा देता हूँ तो आपको याद आ जाएगा, फिर यहाँ से उसको मैच कर लेना। हाँ हाँ, फर्स्ट वाला ये देखो, ओ एक्स निकालना है, एक्स गिवन है 10 मीटर, ठीक है, यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो, और फॉर्मूला क्या था, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में उसका अंडर रूट है, फिर आर माइनस ओ नोट है, अब ओ नोट भी बता देता हूँ क्या है आपका इस डायग्राम में, ओ नोट है आपका ये मिड ऑर्डिनेट, Ox क्या है आपका ऑफसेट, और x क्या है कि मिड ऑर्डिनेट से x डिस्टेंस पे ऑफसेट लगा है, और फॉर्मूला ये है, अब इसी फॉर्मूले को इस इक्वेशन में यूज किया गया है, इस इक्वेशन में देखो, इसको अभी y को मत देखो, O0, ठीक है, फर्स्ट ऑफसेट निकाल रहे हैं हम, जिसमें r क्या है आपका 200 मीटर, अगर फर्स्ट हम निकालेंगे एक सॉरी जुकाम हो गया बहुत ज्यादा, देखो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डिनेट कहाँ पे है, 1 पे, यहाँ पे x इक्वल टू 10 मीटर, लेकिन बात हो रही है 0 पे, O0, O0 का मतलब क्या है, यहाँ पे सेंटर पे, सेंटर पे फॉर्मूला क्या है हमारे पास Ox का, यहाँ पे लिख लेते हैं जो आपको थोड़ा समझ में आ जाए, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, फिर माइनस है आर स्क्वायर माइनस ओ नॉट स्क्वायर, ओ नॉट सॉरी, R क्या है आपका 200 मीटर का स्क्वायर,
एक्स की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि हम डी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, इस कैपिटल डी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑफसेट वन पे 10 मीटर है, टू पे 20 मीटर है, तीन पे 30 मीटर है, चार पे 40, पचास पे पाँच पे 50 मीटर, छः पे 60 मीटर, लेकिन डी पे ही निकालेंगे तो जीरो है, तो एक्स की वैल्यू जीरो, तो आर स्क्वायर अंडर रूट में से निकलेगा तो आर ही बचेगा, तो ये बचा आर माइनस आर क्या है 200, और ये मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है वो लगा दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ना आपको अजीब सी इक्वेशन वाई बराबर, वो ये है यहाँ पे, ये वाली, ठीक है, यहाँ पे आर नॉट ओ नॉट जो मिड ऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगाया हुआ है, और एक्स बराबर जीरो है, ठीक है, जब एक्स बराबर जीरो है तो आपका ओ नॉट ये आ जाएगा 15.22 मीटर। ओ वन क्या होगा आपके पास, ओ वन में एक्स बराबर 10 मीटर हो जाएगा, एक्स बराबर 10 मीटर, ओ टू में क्या हो जाए एक्स बराबर 20 मीटर, ओ थ्री में क्या हो जाएगा 30, 40, 50, 60, 70, और इसका जहां एक तरफ का साइड का आपने निकाल लिया है, अगर आपने इस साइड के सारे ऑफसेट निकाल लिए हैं तो वो, क्योंकि सर्कुलर कर्व है, सिमेट्रिक कर्व है, तो यहाँ के भी सेम ही होंगे, तो यहाँ के निकालने की जरूरत नहीं है आपको, 6 के निकाल लिए हैं आपने, ठीक है। अब आप मेरे को ये क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि सर 6 ही क्यों निकाले, 7 क्यों नहीं निकाले, 8 क्यों नहीं निकाले, तो वो क्यों नहीं निकाले हैं, उसका रीज़न ये है, लॉन्ग कोड का हाफ डिस्टेंस कितना है, एल बाई टू कितना है, कहाँ निकाला था हमने, एल बाई टू ठीक है, कितना है 76, तो इसीलिए हमने नहीं निकाला है, क्योंकि यहाँ से 10, 20, 30, 60 मीटर निकल गया, 60 के बाद क्या है आपका 70 भी निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो L बाई टू है वो 76 मीटर है, तो 7 भी निकाल सकते हो, लेकिन 7 से ज़्यादा मत निकालना, ठीक है, 7 से ज़्यादा फिर T1 ही पहुँच जाएगा, जीरो पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फर्स्ट मेथड हो गया, इसमें दोबारा देखो T1 पे जीरो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे ये आ गई ना T1 पे 70 मीटर ले लिया है इन्होंने, 7 पे इतना ले लिया है, और T1 पे क्या हो जाएगा 76 पॉइंट जो भी आ रहा है। मैं दोबारा से समझाता हूँ, उसके बाद डाउट पूछूंगा आपको, जब तक ये वाला ए सेक्शन का डाउट नहीं होगा जब तक बी पे नहीं जाएंगे हम, ठीक है, जब तक क्लियर नहीं होता। ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें क्या निकालना है, हमें ये ऑफसेट, ये अगर मैं ये कर्व इसमें दी हुई है, कर्व होगी नहीं आपके पास, ये डाटा है, ये इस तरह से है आपके पास लाइन, ठीक है, अगर आपको कर्व ड्रॉ करनी है तो आपको ये पॉइंट चाहिए, एक तो ये पॉइंट चाहिए, एक यहाँ पे ऑफसेट चाहिए 10 मीटर पे, उसका पॉइंट चाहिए, उसकी हाइट चाहिए, एक यहाँ पे चाहिए 20 मीटर पे, एक 30 पे, एक 40 पे, और लास्ट वाला आठवां पॉइंट जो होगा वो T1 पे होगा। इन सब पॉइंट को आप मिला दोगे तो कर्व बन जाएगी, और दूसरे साइड का भी सेम मैग्नीट्यूड होगा सारे पॉइंट का, इस तरह से कर्व आप ड्रॉ कर दोगे ग्राउंड पे, ठीक है। और हमें पहले पहला पॉइंट चाहिए ये वाला, तो इसके लिए x की वैल्यू क्या है जीरो, इसके लिए x की वैल्यू है 10, इसके लिए 20, 30, 40, 50, 60, और इसका जो l by 2 है ये डिस्टेंस, ये हमें पता है 76 पॉइंट समथिंग है, 73 पॉइंट समथिंग है, याद नहीं मेरे को, तो 70 पॉइंट तक तो हमारा सही है, ठीक है। 70 के बाद जो x की वैल्यू आप लोगे ना, पूरी टोटल l by 2 ले लोगे अगर x की वैल्यू, तो आपका वो T1 आ जाएगा जीरो पे, मतलब इसकी जो हाइट होगी वो जीरो आ जाएगी, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। तो इस तरह से हमें सारे पॉइंट निकल जाएंगे, तो फर्स्ट पॉइंट में यही ऑफसेट की हमारी लेंथ पूछ रहा है, ये इक्वेशन भी समझ लेते हैं, इक्वेशन कैसे लिखी हुई है उन्होंने, ये वाली वाई वाली, वाई क्या है हमारा, ये डिस्टेंस है ये, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस, अगर इसको हम ऐसे लगा दें तो वर्टिकल डिस्टेंस ये बैठती है हमारी, ये है वाई, हमने उसमें क्या कहा था जो मैंने पीपीटी में पढ़ाया था, ओ एक्स, इसमें वाई कह रहा है, ठीक है, फिर इस वाई को कह रहा है ओ वन ओ टू ओ थ्री करके निकाला हुआ है। तो देखो ये क्या होगा वाई, यहाँ पे हमने ट्राइंगल बनाया था इस तरीके से, और ये डिस्टेंस हमने निकाली थी जिसमें आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ गया था, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारी एक्स है, और इसमें से जब हमने ये वाला ऑर्डिनेट निकाला था तो ये इक्वेशन आ गई थी,
तो इसने वाई करके एक इक्वेशन बना ली पहले, उसमें एक्स की वैल्यू जीरो डाली तो ओ जीरो आ गया हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। मतलब इसका सॉल्व करने का तरीका ये, आप ऐसे नहीं आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ओ जीरो इक्वेशन लिख दो, एक्स बराबर पुट कर दो जीरो, समझ रहे हो, है ना। आप मतलब कि ऐसे मत करो, मैं बताता हूँ आपको आपको कैसे सॉल्व करना है। मतलब ऐसे भी कर सकते हो अगर इसमें कंफ्यूजन हो रही हो, आप सिंपल सा बिल्कुल इसमें देख लो जो पीपीटी मैंने पहले बताई थी ये वाले, इसमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है ओ एक्स स्क्वायर टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस आर माइनस ओ जीरो, ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। और ओ नॉट की इक्वेशन क्या है आप ऊपर देख सकते हो, ओ नॉट की इन्होंने क्या दोनों चीज पुट कर दी। आप क्या करो पहले ओ नॉट निकाल लो, ओ नॉट के फॉर्मूले से ओ नॉट निकाल के यहाँ पे ओ नॉट की वैल्यू पुट कर दो, तो आपको फिर ओ एक्स की वैल्यू बदल के फिर एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, ओ वन ओ टू ओ थ्री सब आपका निकलता जाएगा, ठीक है। ओ ओ क्या है आपका मिड ऑर्डिनेट है, ठीक है। अगर आपको याद ना हो रहा हो तो मिड ऑर्डिनेट भी बता देता हूँ आपको एक बार, सी डी निकालना है हमें, सी डी। तो आप सी डी कैसे निकालोगे, आर में से माइनस करोगे इस, ये तो पूरी रेडियस आर है ना, ये आर है, इस आर में से ओडी माइनस करोगे, ओडी। अब इस ट्रायंगल में ओडी क्या होगा, सॉरी ओडी ओडी क्या होगा, आर माइनस ओडी क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एल बाय टू का होल स्क्वायर, यही तो लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। अब इसमें बताओ कोई डाउट हो तो, बिल्कुल भी डाउट हो तो पूछ लेना देखो इसमें, ठीक है ना, किसी को भी डाउट हो तो, तभी आगे बढ़ेंगे। ये फर्स्ट सेक्शन हो गया ए, जिसमें हमें ऑफसेट निकालने थे कुछ भी वैल्यू के, सर यहाँ ये कैसे पुट कर दिया, ये कैसे पुट कर दिया, पूछ लो डायरेक्टली। है किसी का डाउट, दोबारा बता दूंगा, नहीं होगा इस लेक्चर में न्यूमेरिकल कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे, इसी को मैं दोबारा बता दूंगा अगर डाउट है थोड़ा बहुत, या कहीं किसी पॉइंट पे डाउट है तो पूछ लो। ये भी आप डाउट पूछ सकते हो, सर यहाँ तो छः ऑफसेट लिए हुए हैं और निकाले हुए हैं यहाँ पे सात आठ निकाले हुए हैं, सातवां भी निकाला हुआ है और आठवें में वैल्यू जीरो आ रही है, ओ एट जिसे बोलेंगे या टी वन बोल सकते हैं, ठीक है। इसने शो नहीं किए हैं डायग्राम में, न्यूमेरिकल्स में भी तो, बुक्स में भी तो, इनमें भी तो गलतियाँ हो सकती हैं, है ना। और आप जैसे आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है ये, तो आप कैसे पता करोगे कि छः पॉइंट लेने के, तो आप वो इससे पता कर लो कि आपका जो L बाई टू है वो 76 है और जो इंटरवल दिया हुआ है वो 10 मीटर दिया हुआ है ना, इंटरवल दिया हुआ है x की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर सेंटर से, ऑफसेट के सेंटर से, तो आप 10 मीटर लोगे 20 30 40 50 60 70 और एक जो T1 पे आ जाएगा आपका वो 76.54 हो जाएगा ये T1 पे, ठीक है, ये कर्व बन जाएगी आपका। तो आपको कितना लेना है यहाँ पे C1, O1, O2, O3, O4, O5, O6, O7 और इसको OT1 बोल सकते हो अपने हिसाब से नॉमिनिक्लेचर कर लो, और इसको O0 बोल सकते हो। तो कितने पॉइंट हो गए, एक तो जीरो जिसमें X की वैल्यू जीरो लोगे, सात पॉइंट, आठ पॉइंट, नौ पॉइंट हो गए आपके, और वही आपको शो कर सकते हो डायग्राम में। है किसी का डाउट, कंफर्म करो फिर आगे चलते हैं। दिल खुश बताओ भाई, कुछ आगे चले, ठीक है ठीक है आगे चलते हैं। अब सेकंड पॉइंट इसमें पूछ रहा है मेथड ऑफ बाइसेक्शन, बाइसेक्शन का मेथड याद दिला दूं आपको, तो हमारे पास ऐसे एक लॉन्ग कोड थी, फिर बीच में हमने एक परपेंडिकुलर डाला था ऐसे, और फिर हमने इन पॉइंट्स को, एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया था, फिर हमने इस लाइन का जो आपका ये लाइन जो है ये टेंजेंट नहीं है, याद रखना टेंजेंट नहीं है, ये क्या है टी वन और टी टू को हमने उस पॉइंट पे डी वी पे मिला दिया है, वी पे नहीं, जो हमने एक ऑफ से वो मारा बता क्या कहते हैं बाइसेक्शन मारा था यहाँ पे, ठीक है। फिर इसका हमने बाइसेक्ट करा था और फिर इसको कनेक्ट कर दिया था, इस तरह से बाइसेक्ट करते रहते हैं और कनेक्ट करते रहते हैं। एक बार पीपीटी में जो पढ़ाया था वही दिखा देता हूँ मैं, फिर आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा ये वाला मेथड। मैंने इसमें बताया था याद हो तो, C1 और D1 की वैल्यू अगर आपको पता चल जाए
तो आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे कर्व पे, और इसका जो इक्वेशन निकल के आई थी सी वन डी वन इज इक्वल टू वन माइनस कोस डेल्टा बाय फोर, ये निकल के आई थी। अब न्यूमेरिकल में देखते हैं इसने क्या किया है। सेंटर ऑर्डिनेट, सेंटर ऑर्डिनेट कौन सा है उसकी बात करते हैं हम पहले। ये सेंटर ऑर्डिनेट सी डी, इसकी लेंथ क्या होगी, क्योंकि हमने लॉन्ग कॉर्ड में ऑफ बाइसेक्शन किया है। सेंटर बाइसेक्शन मतलब सेंटर में एक ऑफसेट मारना, सेंटर में एक लाइन खींचना, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू निकालनी है हमें, सी डी की लेंथ निकालनी है हमें, ठीक है। इक्वेशन वही जो मैंने दिखाई थी पीपीटी में वही है आपकी। आर वन माइनस कोस डेल्टा बाय फोर बताई थी मैंने अभी पीपीटी में, डेल्टा बाय टू क्यों है, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ क्यों है ऐसा, कि मैंने तो पीपीटी में डेल्टा बाय फोर लिखवाई थी, डेल्टा बाय टू क्यों है, क्योंकि हम यहाँ मिड ऑर्डिनेट का ले रहे हैं। जब हम इसका ऑफसेट मारेंगे ना, इस लाइन का ऑफसेट मारेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा उसमें डेल्टा बाय फोर बनेगा। तो हमने यहाँ की वैल्यू बताई थी आपको सी वन डी वन, तो डेल्टा बाय फोर आ रहा था, लेकिन यहाँ की वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा बाय टू, और अगर फिर इसका ऑफसेट मारोगे यहाँ पे तो फिर यहाँ एक ट्राइंगल बनेगा तो डेल्टा बाय फोर बनेगा, ठीक है। और क्लियर इमेज बना देता हूँ थोड़ी सी इसकी। ये था हमारे पास, ये बीच में ऑफसेट मार रहा है, तो इसके लिए जो ट्रायंगल बनेगा ना वो ये वाला ट्रायंगल बनेगा डेल्टा बाय टू। और जब हमने यहाँ पे ऑफसेट मारा था ये वाला ऑफसेट, और इसको कनेक्ट किया था, तो इस ऑफसेट की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा ट्रायंगल बना था वो ये बना था डेल्टा बाय फोर। और जब हम यहाँ पे ऑफसेट मारेंगे और इसको हम ऐसे मिलेंगे, कर्व के पॉइंट मिलते जा रहे हैं इस तरीके से, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा डेल्टा बाय एट, इस तरीके से, ठीक है। चलो अब नीचे चलते हैं। तो सबसे पहले मिड पे जो ऑफसेट बाइसेक्शन किया है उसका फॉर्मूला लगाया है इसने, आर वन माइनस कोस डेल्टा बाय टू, तो 15.22 मीटर आ गया। फिर ऑर्डिनेट डी वन निकाला है तो डेल्टा बाय फोर आ गया, ऑर्डिनेट एट डी टू निकाला है तो डेल्टा बाय एट आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि सर इसमें डेल्टा डी वन डी टू निकाला है, निकाल सकते हैं फोर भी निकाल सकते हैं, डेल्टा बाय 16, डेल्टा बाय 32, डेल्टा बाय 64, ऐसे वैल्यू बढ़ती जाएगी। आप जितने पॉइंट निकालोगे, ये जितने भी सेटिंग आउट के पॉइंट्स हैं ना, जितने ज्यादा निकालोगे उतनी एक्यूरेट कर्व बनेगी, उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर, लेकिन आपका जो अगर न्यूमेरिकल आता है तो डी टू तक ही निकालना है, एक तो मिड वाला, एक डी वन डी टू, डेल्टा एट तक ही आपको निकालना है, सॉल्व करना है, ठीक है, याद रखना। तो इसमें बताओ किसी को कोई डाउट हो तो, डेल्टा गिवन है, आर गिवन है, फॉर्मूला याद कर लो ये, कि मेथड ऑफ बाइसेक्शन में डी निकालना है, डी डी वन डी टू तीन वैल्यू निकालनी है, डी के लिए डेल्टा बाय टू होगा, डी वन के लिए डेल्टा बाय फोर होगा, डी टू के लिए डेल्टा बाय एट होगा, ठीक है। अगर मान लो एग्जाम में डायग्राम के साथ ये आ गया और डायग्राम में डी वन डी टू डी थ्री भी दिया हुआ है, बनाया हुआ है और बोला हुआ है इन सब की वैल्यू निकालो, तो आपको फिर डेल्टा बाय 8 से डेल्टा बाय 16 पे जाना होगा, ठीक है। किसी का इस वाले मेथड में डाउट, ये तो इजी है, एक फॉर्मूला है बस। आगे बढ़ते हैं, रेडियल फ्रॉम टेंजेंट, तो इसको भी मैं पीपीटी में दिखा देता हूँ। रेडियल फ्रॉम टेंजेंट, मैंने ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने कहा था बस इसमें फॉर्मूला याद कर लो। इसमें दो मेथड थे, रेडियल ऑफसेट और परपेंडिकुलर ऑफसेट। रेडियल ऑफसेट में ये ओ एक्स था आपका, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, और आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट में ये ओ था। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, आप देखो ओ एक्स की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएं, ऑफसेट मारते जाएं, तो ओ एक्स की वैल्यू वी तक जाएगी, बस वी से आगे नहीं जाएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू जो है वो कहाँ से वेरी करती है, t1 से o x v तक वेरी करती है, और सेकंड में भी x की वैल्यू v1 से v तक की, t1 से v तक की आपको वो करती है। मैं यहाँ पे डायग्राम बना के और दिखा देता हूँ आपको, ये है आपका टेंजेंट, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये v वैल्यू है, ये आपका a है और ये है आपका t1, रफली है थोड़ा सा समझना, t1, ठीक है। और ऑफसेट जो मार रहे हैं हम, ये वो ये मार रहे हैं, ये ऑफसेट मार रहे हैं ओ एक्स,
और ये डिस्टेंस x पे है, तो x की वैल्यू t1 से स्टार्ट होगी और v तक ही जाएगी, ऑफसेट मारते रहेंगे, एक ऑफसेट यहाँ लगेगा, एक ऑफसेट यहाँ, एक ऑफसेट ये और एक ऑफसेट ये, इसी तरह हमें कर्व के पॉइंट मिलते जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू हम v से आगे नहीं ले जा सकते, वहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, वह यही ध्यान रखना था इसमें। और तो फॉर्मूला जो है गिवन वही लगाना है आपको, ठीक है। इसमें सॉल्व किया हुआ है केवल रेडियल, परपेंडिकुलर में भी फॉर्मूला सेम है, केवल r पहले आ जाएगा, ये माइनस में चली जाएगी। तो देखो क्या किया है इन्होंने, रेडियल ऑफसेट मेथड लिया हुआ है, ओ एक्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है, आर स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस आर स्क्वायर, सब चीज गिवन है, एक्स की वैल्यू पे ध्यान देना है बस आपको, ठीक है। एक्स की वैल्यू पे कैसे ध्यान देना है, देखो ये है आपका T1, ध्यान से समझना इसको, समझाना थोड़ा टिपिकल है इसको, फिर भी समझना, ये है T1 और T1 से x डिस्टेंस पे ऑफसेट है, ये x है। और जो न्यूमेरिकल में आपको बता दूं, न्यूमेरिकल क्या कहता है, इसकी न्यूमेरिकल की लैंग्वेज ही पढ़ लेते हैं इस वाले पॉइंट की। रेडियल परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम एवरी फुल स्टेशन ऑफ 30 मीटर अलोंग द टेंजेंट, ये जो कह रहा है कि ऑफसेट जो है ना वो 30 मीटर रखा है, एक्स की वैल्यू क्या है 30 मीटर है, क्योंकि चेन जो यूज करें 30 मीटर, तो कह रहा है 30 मीटर के ऑफसेट लिए गए हैं, तो एक्स की वैल्यू 30 हो गई। बट इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, वो चीज बता देता हूँ आपको। चलो मान लिया एक्स की वैल्यू हो गई कितनी 30 मीटर, लेकिन क्या सारी एक्स की वैल्यू 30 मीटर होगी, नहीं, स्टार्टिंग की 30 वैल्यू नहीं होगी, आगे बीच के जो ऑफसेट होंगे उन सब में 30 होगा, लेकिन फर्स्ट और लास्ट 30 नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा, T1 तक का जो चेनेज है वो कितना था आपका, T1 तक का चेनेज 1776, ध्यान से सुनना इसको फिर समझना, सॉरी डायग्राम भी मिटा दिया मैंने। T1 तक का चेनेज जो हमने निकाला था वो था 1776, ये गिवन है। 1776 को कन्वर्ट करो चेन्स में, फुल चेन में, तो फुल चेन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो आता है हमारे पास 58 चेन, क्योंकि एक चेन की लेंथ 30 मीटर है, तो 30 मीटर से उसको डिवाइड करेंगे तो आ रहा है 58 चेन प्लस 16.36 मीटर, ठीक है। यानी कि 58 तो फुल चेन है, प्लस T1 पे कितना आ रहा है 16. इतना आ रहा है, मतलब कि अगर ये ए पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, तो यहाँ तक तो मान लो 58 चेन आ रहा है, और ये डिस्टेंस जो है ये कितना है 16 मीटर, 16.36 मीटर, है। तो यानी कि 30 मीटर की चेन है, तो यहाँ पे 30 मीटर कंप्लीट करने के लिए T1 से आगे ये डिस्टेंस T1 से आगे कितनी होगी, 30 में से माइनस कर देंगे 13.64 मीटर है, यानी पहले x की वैल्यू T1 से कितनी आ गई 13.64 मीटर, उसके बाद ऑफसेट जो होगा वो 30 मीटर का होगा, फिर 30 मीटर का होगा, फिर 30 मीटर का होगा, और लास्ट ऑफसेट क्या होगा वो आपको पता है कि टेंजेंट की लेंथ v तक की कितनी है, उससे आप कैलकुलेट कर लोगे। ये चीज मुझे समझानी थी यहाँ पे। तो फर्स्ट x1 की वैल्यू आ गई 13.64, सेकंड वैल्यू x1 की x2 की क्या होगी प्लस 30 कर दो, तो T1 से मेजर कर रहे हैं ना, तो 43.64, फिर 30 ऐड कर दिया, और लास्ट वाली क्या होगी 82.84, और इसी तरह से आपने O1, O2, O3, O4 निकाल लिया, ये निकाला हुआ है। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं, रेडियल ऑफसेट में फॉर्मूला आपको गिवन है O1, O2, O3, O4 निकालने का, ठीक है, जिसमें R और X है, R आपको पता है 200 है, X की वैल्यू वेरी कर रही है, और X की वैल्यू मेजर कहां से करनी है T1 से, और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि x की वैल्यू आप फुल सेक्शन लो यानी 30-30 मीटर लो, लेकिन अगर हम v t1 से v तक में 30-30 मीटर लेते हैं तो जरूरत होगी ना पूरे 30-30 मीटर में कंप्लीट हो जाएगा, तो जो पहला x की वैल्यू होगी x1 की वैल्यू वो 30 मीटर से कम होगी, और जो लास्ट वाली होगी वो होगी, और बीच के सारे 30-30 मीटर के होंगे। तो हमने पहली वाली x की वैल्यू निकाली जो आ रही है 13.64 मीटर, फिर हमने उसमें 30 ऐड कर दिया तो x2 निकल गया, फिर 30 ऐड कर दिया तो x3 निकल गया, और उसके बाद x4 जो आ रहा है वो पूरा v तक की वैल्यू ले रही, और हमारे चारों ऑफसेट निकल के आ गए O1, O2, O3, O4। इसमें किसी का डाउट हो तो बताओ, फिर लास्ट रह गया, जल्दी से वो करते हो तो न्यूमेरिकल खत्म हो जाएगा।
ठीक है, लास्ट वाले बता देता हूँ फिर आप नंबर डाउट पूछ लें। लास्ट वाला ऑफसेट फ्रॉम कोड प्रोड्यूस, तो याद होगा आपको कोड प्रोड्यूस में क्या करते थे हम, C1, C2, C3, C4 निकालते थे, CN निकालते थे, O1, O2 निकालना होता था। तो C1 क्या होता है, सब कोड की लेंथ, C2 क्या होगा, 30 मीटर की लेंथ। आपको फॉर्मूला पता है, इस वाले जैसे ये मेथड आएगा आपको फॉर्मूला पता है कि O1 C1 स्क्वायर बाय 2R, O2 क्या होगा, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ था ये भी आपको पता है। लेकिन आपको इसमें जो जानने वाली चीज है ना वो है कि C1 की वैल्यू क्या होगी। अगर C1 की वैल्यू पता है, C2 की वैल्यू पता है, तो आपको R गिवन है, सारे O1 O2 O3 निकल जाएंगे। तो जो ऊपर निकाला है ना अपने, ऑफसेट होता है, सब कोड होते हैं ये, ठीक है, बता चुका हूँ वैसे तो, अगर आपको याद नहीं हो तो थोड़ा सा बताता हूँ। ये आपकी कर्व है, इसमें पहला जो सब कोड होगा, फिर दूसरा सब कोड, फिर तीसरा सब कोड, यही तो होते हैं C1 C2 C1, C2, C3, C4, फिर CN। जो बीच के मैंने बताया था, बीच के जो कोड होंगे सब कोड, वो तो 30 मीटर के होंगे, क्योंकि 30 मीटर की चेन यूज की है। C1 निकालना है, C2 निकालना है। तो याद हो तो जब पैरामीटर निकाल रहे थे हम, तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट सब कोड की लेंथ निकालने का फॉर्मूला और लास्ट कोड की निकालने का फॉर्मूला, वही आपको यूज करना है। और यहाँ पे C1 आया 13.64, ठीक है, और CN आया आपका 23.44, और आपने O1, O2, O3, O4 करके यहाँ पे निकाल लिया है, O6 तक आपने निकाल लिया सारे पैरामीटर, इस तरह से न्यूमेरिकल आपका फिनिश हो गया। ठीक, किसी का कोई डाउट हो तो पूछो इसमें, ये मैं न्यूमेरिकल अपलोड कर दूंगा, अभी कर ही देता हूँ साथ के साथ, फिर आपको मिलता नहीं है, भूल जाता हूँ मैं अभी। यहाँ टीम्स में जब आप जाओगे, यहाँ फाइल्स हैं, और मैं फाइल्स में अपलोड कर रहा हूँ फाइल्स, और भी कुछ बहुत सारा डाटा दिया हुआ है जो अभी तक कर्व का पढ़ाया हुआ है ना, सारा दिया हुआ है इसमें, तो आप इससे ही पढ़ सकते हो, अच्छा दिया हुआ है। सर्वेइंग सैंपल चैप्टर नाम से, सैंपल चैप्टर नाम से कर्व के बारे में ये अपलोड हो गया है, ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लेना यहाँ से इसको एक बार, है ना, आप समझना, नहीं समझ में आया तो पूछना। हाँ बताओ, एसटी का पेपर कब मिलेगा? एसटी का चेक की बात करो, चेक करने की टाइम नहीं मिल पा रहा बिल्कुल भी, मैं शायद देखो आज शाम को करूं या कल भी, मेरे 3 लेक्चर हैं, तो या आज शाम कल तक मिल जाएगा या परसों तक मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर आप इसको पढ़ लेना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, इसको लीव करते हैं यहीं पे। 33 स्टूडेंट थे, 32 कैसे हो गए पता नहीं, अभी पहले लीव कर गया कोई, उसको ऑप्शन लग मिल जाएगी, अभी 31 हो गए थे फिर 32 हो गए, इन चीज़ का ध्यान रखो भाई, लास्ट मोमेंट पे अगर लीव कर जाओगे एक मिनट पहले तो फिर अटेंडेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, लीव कर सकते हो।